दूसरा विरासत भारत की सांस्कृतिक विरासत। सांस्कृतिक विरासत अर्थात मानव सर्जित विरासत। मनुष्य ने अपनी बुद्धि चातुर्य कौशल और कला कौशल द्वारा जो कुछ भी प्राप्त किया, जिसका सर्जन किया, उसे सांस्कृतिक विरासत कहते हैं। तो आपने भी देखा, प्राकृतिक विरासत प्रकृति के द्वारा भेंट है, जबकि सांस्कृतिक विरासत मानव सर्जित विरासत है। और इसकी परिभाषा, मनुष्य ने अपनी बुद्धि चातुर्य कौशल और कला कौशल द्वारा जो कुछ प्राप्त किया या जिसका सर्जन किया, उसे सांस्कृतिक विरासत कहते हैं। अब इसमें समावेश बातें मैं बताने जा रहा हूं, कौन कौन सी बातों का समावेश किया जाता है। तो प्रागैतिहासिक समय से भारत ने विश्व की प्रजा को सांस्कृतिक विरासत की बहुत सी भेंट दी है, जिसमें उदाहरण स्वरूप शिल्प स्थापत्य की कला लगभग 5000 वर्ष प्राचीन है, जिसमें सिंधु घाटी संस्कृति के प्राचीन अवशेषों की गणना की जा सकती है। उसमें से प्राप्त देवी देवताओं की प्रतिमाओं, मानव शिल्पों, पशुओं एवं खिलौनों तथा दाढ़ी वाले पुरुष का शिल्प, जो आप यहाँ चित्र में देख रहे हैं, दाढ़ी वाले पुरुष का शिल्प नर्तकी की मूर्ति देखकर हमें अपने सांस्कृतिक विरासत के प्रति स्वाभिमान और गौरव की भावना जन्म लेती है। इसके अलावा मौर्य युग में उल्टे कमल की आकृति, जिसके ऊपर सी और वृषभ राशि में भी देखते होंगे, 12 राशि में सी और वृषभ राशि का नाम आता है। सी मतलब आप जानते हो, वृषभ अर्थात बैल का शिल्प, बुद्ध की प्रज्ञा पारमिता का शिल्प, सारनाथ की धर्म चक्र, सारनाथ का धर्म चक्र, परिवर्तन वाली महात्मा गौतम बुद्ध की प्रतिमा, और उसके बाद के समय काल की जैन तीर्थकारों की प्रतिमाएं, राष्ट्रकूट राजाओं के समय इलोरा और अजंता की गुफाओं को देखकर हमें अपने सांस्कृतिक विरासत के प्रति आदर और गर्व का अनुभव होता है। इसके अलावा सांस्कृतिक विरासत में कौन कौन सी बातों का समावेश होता है? अपनी सांस्कृतिक विरासत में मंदिरों, शिलालेखों, अस्तूपों, विहारों, चैत्यों, मकबरों, मस्जिदों, किलों, गुंबजों, राजमहलों, दरवाजों, इमारतों, उत्खनन किए गए, उत्खनन मतलब खुदाई काम के द्वारा प्राप्त स्थलों, ऐतिहासिक स्मारकों का समावेश किया जा सकता है।